दोस्तों जिसका डर था वही हुआ, भारत के सबसे खतरनाक गेंदबाज ने किया संन्यास का ऐलान। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है। इस मुकाबले में दोस्तों भारतीय टीम को शुरुआती 2 मैचों में जीत मिल गई है, लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया को 2 मुकाबले खेलने हैं जहां पर भारतीय टीम को हर हालत में जीत चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाना चाहती है तो यहां पर दोस्तों भारतीय टीम को इस मुकाबले और इस सीरीज को दोनों को जीतना पड़ेगा। पर दोस्तों भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों को अभी टीम इंडिया की टेस्ट साइज में मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कभी टीम इंडिया के लिए रेगुलर गेंदबाजी करते थे और टेस्ट क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाज हुआ करते थे। पर दोस्तों अब से पिछले 5-6 महीने से उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जब से दोस्तों टीम में मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज आए। ऐसे में दोस्तों उन्हीं एक खिलाड़ियों में से एक है ईशान शर्मा। ईशान किशन के नाम के रहा है। यहां पर दोस्तों ईशान किशन के जैसे ही खेलने वाले लंबे बाल रखने वाले ईशान शर्मा भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा उपयोगी खिलाड़ी बन चुके थे, क्योंकि दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में वो काफी अच्छी गेंदबाजी कराते थे जब तक यहाँ पर विराट कोहली कैप्टन थे। अभी तक दोस्तों उन्होंने 105 टेस्ट मैचों की 188 इनिंग्स में यहाँ पर उन्होंने गेंदबाजी कराई थी, जहाँ पर दोस्तों उन्होंने 311 विकेट चटकाए थे। लेकिन दोस्तों ईशान शर्मा को अचानक संन्यास का ऐलान करना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों लगातार उनको टीम इंडिया से ड्रॉप करने पर वो काफी गुस्सा हो गए हैं। ऐसे में वो दोस्तों अब यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहते हैं और अपना पूरा फोकस आईपीएल पे कवर करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों ईशान शर्मा ये ऐलान कब करते हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।